जमीन मिलने के बाद भी जंगल में अतिक्रमण करने वाले वन गुजरों के खिलाफ वन विभाग ने एक्शन लिया और इनके अतिक्रमण को हटा दिया। इन वन गुजरों के खिलाफ तमाम शिकायतें भी प्रशासन को मिल रही थी। लच्छीवाला रेंज में वन भूमि पर अवैध रूप से निवास कर रहे गुजरों पर फॉरेस्ट विभाग ने कार्रवाई करते हुए अपनी भूमि को मुक्त करवाया। लच्छीवाला में कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वन गुजरों पर वन विभाग का डंडा चल चुका है। इनसे कई एकड़ भूमि को रेंज अधिकारियों ने मुक्त करवाया। इस मामले को लेकर विभाग के डिप्टी रेंजर KL नौटियाल ने बताया कि वर्षों से वन गुजरों के चार परिवार इस भूमि पर कब्जा किए हुए थे, जबकि हरिद्वार के गेंडी खाता में इन परिवारों को वन विभाग द्वारा भूमि आवंटित कर दी गई है। इससे पहले कई बार इन परिवारों को हटाए जाने के आदेश वन विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद ये गुज्जर जमीन खाली करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से वन विभाग की जमीन को इनसे मुक्त करवा लिया। वहीं वन गुजरों के अतिक्रमण को लेकर बजरंग दल ने भी आपत्ति दर्ज कराते हुए वन भूमि में निवास करने वाले गुजरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मेरे को तो गुज्जर एकदम से आए, खूब सारे टॉर्च मारी मेरे ऊपर इन्होंने दूर से कि ये हैं ये हैं ये हैं। मैं थोड़ा घबराया और मैं भाग गया। फिर मेरे साथ का मेरा भाई ये पकड़ाई में आया उनकी, इन्होंने इसको पकड़ा बांधा मारा इसको। अब मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। ये बात होगी 4-4:30 बजे के आसपास की। हम जब यहाँ पहुँचे थे 3-3:30 बजे के टाइम पर हम पहुँचे यहाँ पर। फिर काफ़ी देर के बाद 4-5 बजे के आसपास फिर उस टाइम इन्होंने हमें पकड़ा, कम से कम 20-25 लोगों द्वारा। मैम इंसाफ चाहिए मेरे को, ये तो कुछ भी करेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे। ये आज मेरे को मारा, कल किसी और को मारेंगे। मैम मार पिटाई करी, 1-3 घंटे तक बिठा के रखा, 20-25 लोगों ने मारा। मैम पिलाई भी मारा, चाय भी पिलाई मारा। क्या क्या कार्रवाई चाहते? इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।